नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। 2007 में गोरखपुर में दिए गए भाषण से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मुकदमे की अनुमति से मना कर दिया था। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला ही पूरी तरह से खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 के आदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मामले का निपटारा कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि याचिका में राज्य सरकार की शक्ति को लेकर जो कानूनी सवाल उठाए गए हैं उन्हें खुला रखा जा रहा है। यानी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की अनुमति देने से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन योगी के खिलाफ मुकदमा मामला बंद माना जाएगा। मामले में याचिका प्रवेश प्रवाज की तरफ से दायर की गई थी। उनका कहना था कि सांसद रहते योगी आदित्यनाथ के भाषण की वजह से 2017 में गोरखपुर में दंगा हुआ, इसमें कई लोगों की जान गई। 2018 में दर्ज केस की यूपी पुलिस ने जाँच की और फिर 2015 मैं राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति ली। परवेज का आरोप है कि मई 2017 में राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना किया। उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनका दावा है कि सीएम बनने के बाद सरकार का कमान उनके हाथ में ही थी, अधिकारी दबाव में रहे होंगे तभी मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई। योगी की तरफ से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि लंबी जाँच के बाद भी पुलिस को तथ्य नहीं मिले, तब पुलिस ने दूसरी पार्टियों की सरकार थी। 2017 में राज्य के कानून विभाग और गृह विभाग के मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना किया क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। निचली अदालत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। तो दोस्तों, यह देखना है कि क्या मामला सही था या गलत था। अगर याचिका दायर हुई और निचली अदालत ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।